सेकंड क्वेश्चन आता है मेन क्वेश्चन कि दीदी आप आपके ससुराल भी जा सकते थे, आप आपकी मम्मी के घर क्यों आए? एकदम से आपका एक डाउट और क्लियर हो गया कि मैं ससुराल क्यों नहीं गई। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। गुड आफ्टरनून, सो कैसे आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ब्लॉग दोपहर में स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं सोकर ही 11:30 बजे उठी, फिर मैं नहाई, खाना वगैरह खाया, रेडी तो मैं नहीं हुई हूँ। मेरे बाल देख सकते हैं, कल रंगी कर लिया, वही होंगे 3-4 दिन में कंगे। और ये इधर इसकी नानी को नचा रही है। मम्मी सोने लगे, मम्मी ने तकिया लगाया, जैसे ही आड़े हुए, नानी दूध पिला दो, नानी खाना खिला दो, और टाइम देख। और अधिक सर की तरह पढ़ाई होगी, सबका सोने का टाइम और अधिक का पढ़ाई करने का। ऐसा नहीं कि पहले पढ़ाई कर लूँ फिर आराम से टीवी देखेंगे सोएंगे, पर हम सोते और तू पढ़ाई करता है। अब मत देना मम्मी, सो जाओ, अब दूध मंगे कि दो घूसे देना खींच के। अरे इंदू जाओ, मामा कौन आया लाडो, इसका जुड़ा तो देखो। तो खाना वगैरह तो हो गया, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने सेव परमल और आम सब्जी रोटी नहीं खाई, आज पतली आलू की सब्जी बनी थी, एक आलू एक टोल खाया, मतलब और बाहर आने को कर बोला नहीं खा ले, जबान के ऊपर इतने ज़्यादा हो गए, जुआर खिलाने आते ना उतने बड़े बड़े जबान पर खा ले, फिर भी सेव परमल खाए, खाली पेट रहो तो सर चढ़े, थोड़े थोड़े कर कर। क्या नानी आगे तेरे कुर्सी निकाल देगी बजाना। चल सो आप, मैं तो सोती हूँ, प्रिंसी अब खाएगी उसकी नानी के हाथ से मार। क्यों प्रिंसी सोएगी, अच्छी बच्ची है, मामा के पास छोड़ के आती है। चल पड़े यहाँ से, जा ये जा रही, तुम तो सोएंगे। मम्मी तुम सो जाओ, भूत आएगा रात को, मालूम किचन में प्लेट बजी थी। हाँ ले जाएगा इसको, चल बजने दे, आजा भूत, जब उसको मार रहे हैं बाप रे, कौन के सो, जल्दी सो, जल्दी सो जा बेटा, थोड़ी देर। फैमिली सो अभी टाइम हो रहा है 6:48, मैं आ गई हूँ ऊपर,
एकदम से उल्टी हो गई मेरे को। एकदम से नीचे से आई, क्या मालूम का जोक के आने चालू हुए। ठोको पीठ ठोको भैया, कमरा खुला था अंदर गई, अंदर से वापस इधर से आई, कमरे में से सब नीचे चढ़ जान, ऊपर से किचन में बाहर करने गई, भाभी आटा मस रही थी। भाभी की क्या आटे की भी आती थी मेरे को पीछे उल्टी और बेटा बात उधर जा बेटा, आटे की भी आती है ना ऊपर से भैया के रूम की स्मेल आ गई तो ज़्यादा ही हो गई मेरे को। बेटा मेरे पास है पानी, मेरे पास भी है बेटा पानी। उल्टी होने लगी थी एकदम से, बैठी थी मैं, कैमरा जैसे स्टार्ट करा उल्टिया स्टार्ट। अब थोड़ा हल्का फील हो रहा है। मम्मी ने सब साफ कर दिया यहाँ पे, और कल वाला जब ब्लॉग आया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी इसके लिए। बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखिए, मैं भी आपको अब अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देती रहूँगी। सॉरी आज का ब्लॉग छोटा है, क्योंकि ना सुबह से सर एकदम से चढ़ा चढ़ा सा लग रहा था, और सुबह से देर से भी इसलिए मैं उठी थी, तबीयत ख़राब लग रही थी, इसलिए मैंने छोटा ब्लॉग दिया, बट दे रही हूँ आपको, जैसे भी होगा मैं ब्लॉग्स देती रहूँगी। तो अभी नीचे खाना बन रहा है, मैं ऊपर आई, मेरे को ना स्मेल लग गई थी, मम्मी ने बोला तेरी बॉटल भर ले, मैं किचन में बहुत कम जाती हूँ, बट मम्मी बोले जा तेरे हाथ से भी काम करना सीख, तो गई फ्रिज खोला, मेरा फ्रिज वाला पानी पी रही हूँ, ये पानी की स्मेल आती है, तो फ्रिज वाला पानी मैंने अपनी बॉटल में डाला, तो भाभी आटा गूंध रहे थे उसकी स्मेल आई, फिर रूम में गई प्रिंसी की चट्टी लेने, तो भैया का रूम पास में ही है मम्मी के रूम में गई, तो बिल्लियों के बिल्लियाँ जो रहती है ना भैया के रूम में, तो उसकी स्मेल चलती है, तो उसकी स्मेल आई, तो उस डायरेक्टर सर पे, एक तो आटे की और ऊपर से बिल्ली की, तो सर तो बहुत ख़तरनाक भारी सा हो गया था। ऊपर आई, कैमरा ऑन किया, आपसे बात करने लगी, और वोमिटिंग स्टार्ट हो गई यार, क्या हो, जबकि मैं खा पी कर रही थी, पोहे खाए, परमल खाए, ऑरेंज खाया, मैंगो खाया, सब खा पी के ऊपर आई थी, अब बैठना ही, अब पेट खाली हो गया, अब बाद में। तू क्यों आ रही चुईया इधर, चल गंदा है इधर, कर ली उसने खड़े खड़े, चड्डी उन भी नहीं लाए, लाई हूँ भी, मैंने मम्मी से ऑयल लगवाया कल, हेयर वॉश कर, तो देखो फिलहाल ये रॉकेट जा रहा है, देख सकते हो आप, उनसे जूम करना चाहो तो कितना वो जा रहा है, देखो तो। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है रात 11, सब सो रहे हैं, इधर प्रिंसी जगी हुई है, तू कब सोएगी, सो जा जल्दी से, नितकांता भाई को बुला लूँगी मैं। रात तो ना ऊपर गए थे उल्टी करने के बाद, थोड़ा अच्छा लगा, ब्रेड वगैरह खाई, फिर आधा एक घंटे बाद जो सर वापस से भारी हुआ चढ़ गया, तो अभी हल्का हुआ, वोमिटिंग कर उसके बाद में अभी हल्का हुआ, अगर कुछ नहीं खाऊंगी तो और सर चढ़ जाएगा खाली पेट, अब देखती हूँ रात में उठ के कुछ ना कुछ खाऊंगी। ये तो मार खाएगी अब। ठीक है, तो अभी टाइम रात की 11:30, प्रिंसी को इधर मैंने सुला दिया, ये सो गई है, दादा भी सो गए हैं, मम्मी पापा भैया भाभी अभी बुद्धि सब सो गए हैं, मैं जगी क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही, एक तो वोमिटिंग हो गई ना, तो पेट खाली है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, और आप सबके क्वेश्चंस का जवाब भी देना है, अब Q&A तो मैं बना सकती नहीं हूँ, क्योंकि Q&A के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए रहेंगे, तो मेरे से अभी नहीं बन पाएगा, तो जो भी आपके क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का हर एक ब्लॉग में एक एक जवाब मिलेगा, आपको जो भी डाउट हो क्वेश्चन करो, हर एक ब्लॉग में आपको उसका जवाब मिलेगा। कल आपका एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया, जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने कल आपको दे दिया। सेकंड क्वेश्चन आता है, मेन क्वेश्चन, कि दीदी आप आपके ससुराल भी जा सकते थे, आप आपकी मम्मी के घर क्यों आए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये सवाल बनता है कि आप अपने ससुराल भी जा सकते थे, जी हाँ मैं अपने ससुराल भी जा सकती थी, मैं मम्मी घर क्यों आई, तो इसका मैं आपको बहुत अच्छा जवाब देना चाहूँगी, खेत में
दाने लग रहे हैं और साथ ही में कपास लग रहा है। सबसे पहले मैंने मेरे ससुराल वालों को बताया तो मैंने बोला कि मम्मी मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला कि क्या करूँ, टिफ़िन पहुँचा देना। वहाँ से मेरा टिफ़िन आता था जैसे कि आपने मेरे पहले ब्लॉग्स में देखा, तो मैं वहाँ जा सकती थी। शिवाय ने बोला वहाँ जाओ, बट वहाँ मेरी सासू माँ ससुर जी ये लोग नहीं बोलते, बोले वहाँ मत आओ क्योंकि मम्मी घर रहते नहीं हैं, मम्मी पापा दोनों जन खेत में चले जाते हैं, दाने वगैरह लग रहे हैं, खेत का काम है, खेत हल करवाना, लोटा वेटर वगैरह, तो पूरा पूरा दिन चला जाता है, धाड़ के उतारो मजदूर तो खेत में चला जाता है। तो मम्मी पापा वहाँ रहते हैं, मेरी देवरानी अभी फ़िलहाल में इंदौर गई है उनके मामा जी के घर, 4-5 दिन हो गए उसको जाने को, वहाँ घर पर कोई नहीं रहता। और सेकेंड बात, आपको गाँव की एक बात तो पता ही होगी कि लाइट का इशू सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है वहाँ पर, लाइट का इशू। आपको गांव की बात पता ही होगी कि लाइट जाती है तो फिर 4-4 घंटे नहीं आती है, और इतनी भयंकर लू चलती है ना वहाँ पे। मम्मी बोलते हैं कि रात के 9 बजे भी गरम गरम हवा चलती है, क्योंकि एक तो घर कोने में है, गांव बाहर है, और लू भयंकर चलती है, ना इस साइड घर ना उस साइड घर, घर भी एकदम ख़तरनाक तरीके से तपता है, और दिन में 5 से 6 बार लाइट जाती है, और नाइट में अगर थोड़ी बहुत हवा आंधी आएगी तो पूरी रात में लाइट आती है, ऐसी कंडीशन है। तो मम्मी बोली बेटा तू यहाँ आएगी तो मिट्टी जैसी तप जाएगी, तो मैंने बोला ठीक है नहीं आती हूँ, फिर मैं मेरे घर पे बहुत टाइम तक रही, फिर मम्मी आ गए तो मम्मी मेरे को यहाँ ले आए, किसी की प्रॉब्लम होती है ना दूध वगैरह की जैसे कि ब्लॉग में आपको बताया, तो मम्मी आए थे तो मम्मी मेरे को यहाँ ले आए। मैं ससुराल जा सकती थी बट वहाँ पर एक लाइट इशू और दूसरा खेती का काम चल रहा है अभी, इस वजह से नहीं ले गई। मम्मी को आना होगा, मम्मी खुद ही आ जाएंगे, जैसे ही खेती का काम कंप्लीट होगा मम्मी आ जाएंगे मेरे पास रहने के लिए, मेरी तबीयत ठीक होगी फिर। सो आपका एक डाउट और क्लियर हो गया कि मैं ससुराल क्यों नहीं गई। और अगर आपको और कोई सा डाउट हो और कोई सा क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा, आपको उसका आंसर मिलेगा। Q&A नहीं बना पाऊँगी मैं, इसलिए आपको ब्लॉग्स में ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और सॉरी ब्लॉग छोटा था, जैसा भी था मेरे से जितना शूट हो सका मैंने उतना शूट किया और आप सबको दिया। तो वीडियो पे नए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, एक बार फिर आपको बोल रही हूँ। तो ऐसे प्यार सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखे, और आपने मुझे इतनी सारी विशेज दी है इसके लिए थैंक यू सो मच।